लेकिन जस्ट एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, क्योंकि कुछ नए भाई बहने भी होते हैं, भाई जी साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और जो नॉर्थ इंडिया है ब्रह्मा कुमारी पानीपत सब जोन, वहाँ पे करीबन 50 सेंटर से भी ऊपर और 500 गीता पाठशालाओं के आसपास भाई जी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और बहुत सारे कंपनीज है भाई जी प्रोग्राम्स देते रहते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं माइंड मैनेजमेंट के और अन्य जगह पर। करीबन 1000 से भी अधिक संस्थाओं में भाई जी ने अपने कीनोट स्पीच कहो या फिर प्रेरणाएं अनेक आत्माओं को दी है। भाई साहब की खूबसूरत विशेषता है कि भाई जी मुरली का चिंतन बहुत गहन रीति से करते हैं और उसका लाभ सभी को होता है, इसलिए हम बीच बीच में भाई साहब को बुलाते रहते हैं। और आज ही बुलाने का मतलब इनवाइट करने का उद्देश्य यही है कि जो बाबा की मुरली चली है परसों, जिसपे बाबा ने विशेष रूप से निश्चय के ऊपर भी हमें गाइडलाइंस दी थी, तो निश्चय से हम कैसे विजय रत्न बने, निश्चय बुद्धि विजयंती हम कैसे बने, क्योंकि हम सभी विजय पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं ये सभी। बाबा ने विशेष पहले पैराग्राफ में बहुत फोकस किया कि सक्सेस हमारे लिए बहुत इजी होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। तो अधिक समय नहीं लेते हुए भाई जी आपका पुनः अवेक मुरली क्लब में स्वागत, और हम अभी आपसे जानेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती इस विषय के ऊपर आपके विचार। ओम शांति। ओम शांति और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत खुशी हुई, काफी समय बाद अव्यक्त क्लब में आने की सेवा मिली। और ये राइट बात है, मधुबन, अब कुछ मधुबन की भी सेवाएं प्यारे बाबा ने दी, इसलिए यहाँ भी महीने में काफी दिन यहाँ भी होते हैं। बाकी सब तरफ तो पानीपत भी सब तरफ से संभालते हैं। तो आज बाबा का बहुत अच्छा विषय है। सॉरी मैं 5 मिनट लेट आया, क्योंकि 3 से 5 योग का वहां पहला योग डायमंड हॉल में कराना होता है, तो उसके बाद आए आपके बीच में। बाकी बहुत अच्छा विषय है, बाबा ने मुरली का सारा फोकस इसकी ओर था, जो अभी अव्यक्त मुरली बाप दादा मिलन के टाइम पे चली, के निश्चय बुद्धि, आज का विषय निश्चय बुद्धि विजयंती। और बाबा ने भी इसको ही क्लियर किया कि बच्चे समर्थ आत्मा तो हो, कितना सुंदर बाबा जैसे अब आए, आज समर्थ बा चारों ओर के समर्थ आत्माओं को देख रहे हैं, एकदम बाबा ऐसे सबको रूहानियत में टिका देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है, सबसे मेन बात ये। फिर उसमें बाबा ने कहा निश्चय, निश्चय है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, इसलिए उस निश्चय को बाबा ने, वैसे तो सब बच्चे जानते ही हैं, लेकिन और अच्छी तरह से बाबा ने स्पष्ट किया एक एक चीज को, कि कैसे स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो बाबा ने कहा, अक्सर बाबा कहते हैं कि निश्चय में कमी है, अगर नशा पूरा नहीं है तो निश्चय में कमी, क्योंकि निश्चय की निशानी अक्सर बाबा कहते हैं नशा, या फिर बाबा कहते हैं निश्चय की निशानी निश्चय। तो ये देखें क्या मेरे अंदर नशा भी पूरा रहता है और मैं निश्चिंत भी रहती हूँ आत्मा, कितना टूट निश्चय। निश्चय देखना हो तो ब्रह्मा बाबा का देख,
अभी तो क्या बड़ी बात है निश्चय करना, अब तो करोड़ों आत्माएं हैं। हाँ, करोड़ों आत्माएं अब तो, लेकिन जो है, और उसमें लाखों चल रही है ज्ञान में, कितने चल रहे हैं सब देख, 10-12 लाख तो बीके हो गए, 12 लाख, और उसमें भी जजेज, डॉक्टर, इंजीनियर, टॉप टॉप लोग, इवन पॉलिटिशियन, कितने बाबा के बात को पकड़ के पूरे बुद्धि से समर्पित हुए चल रहे हैं। छोटी बात है, बहुत बड़ी। अब निश्चय करना क्या बड़ी बात है, अवश्य बुद्धि चलती है ना कि भाई कोई तो चीज है, यहाँ कोई शक्ति जो इतनी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कल बाबा ने कहा था मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा था, दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जा रही है। मैं याद कर रहा था, मैं 77 में जब आया ज्ञान में, उस टाइम मुश्किल 50,000 गिनती आई थी, 50,000, और आज की डेट में 50 से 15 हो गए, 50 लाख, 10-15, 15 लाख, 12-15 लाख पाए मैंने। तो कितना फर्क हो गया, वृद्धि होती जा रही है। पहले तो जनरल पब्लिक भी दूर भागती थी ब्रह्मा कुमारी के नाम से, आप ब्रह्मा कुमारी के नाम से दौड़े दौड़े आते दौड़े। अभी देखो हमारे पास पिछले 28 नवंबर को चीफ मिनिस्टर आया अपने पास ऑडिटोरियम में, 2200 का, और सीएम के आने पे हमने सबको खूब कहा, बहनों को, भाइयों को भी, सबको, कि भाई आओ, प्रोग्राम रखा था एक एनुअल फंक्शन का है वो, मतलब कि जैसे कि दुनिया की कोई रुचि रह ही गई, आसपास गांव वालों को भी कहा। तो भी मैं समझता हूँ 300-400 सीटें खाली रहे, परंतु 3-4 प्रोग्राम, बहनों का समर्पण समारोह था इसी साल, दो बहनें तो बाहर भी खड़े हूँ। अब आप सोचिए, गीता पाठशालाओं का सम्मान समारोह रखा, जिसमें एक बार सर सुदेश दीदी आए एकदम फुल, फिर और कोई भट्टी रखो तब फुल, शिवानी बहन आ रही है वो तो ओवरफ्लो होगा, 25 फरवरी को उसे पहुंचना है। तो मतलब कहने का भाव ये है कि बाबा कहते हैं कि इस वक्त क्या बड़ी बात है निश्चय करना। इस वक्त तो मधुबन में ही देख लो, एक साल के अंदर अंदर सारे दिग्गज नेता, प्राइम मिनिस्टर भी आया मई में सुपर स्पेशलिटी का फाउंडेशन करने, तो राष्ट्रपति आए 2 जनवरी, 3 जनवरी को पिछले वर्ष, और 2 जनवरी को हम मुख्यमंत्री खट्टर जी को लेके आए, फिर गुजरात का चीफ मिनिस्टर आया, फिर असम का चीफ मिनिस्टर आया, अब 10 फरवरी को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर आया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये है प्रत्यक्षता के पर्दे के खुलने की निशानी, जो इस कलयुग की दुनिया के सरदार हैं वो भी बाबा के पीछे लग जाए, वो भी आए, इतनी बड़ी बात है। तो निश्चय तो वो टाइम था जब ब्रह्मा बाबा, कितना अपोजिशन, कोई उसके सामने संस्था नहीं खड़ी थी, कोई लोग नहीं थे, अकेला था, उसको देख के अलग बात है 200-300 आए, पर उनके सामने कौन था, कोई भी नहीं था, एक बाबा के सिवाय, और सब कुछ उसने देखो, अलफ को मिला अल्लाह, बेबादशाही आई तार, अलफ की हुआ रेल का राई, सब कुछ उसने समर्पित कर दिया। कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कितना निश्चय, ना केवल खुद, बाकियों का भी समर्पित करा दिया, परिवार के परिवार समर्पित हो गए,
आगे सोचता ही है, पता नहीं आगे क्या। भाई जीवन भर की जिम्मेवारी इनकी, कल कोई ना सफल हुए क्या होगा, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कैसे इनको मैं सारी लाइफ का प्रभु थोड़ी करा रहा था, ऊपर वाला करा रहा था। निश्चय तो वो था। दादियों ने भी एक बाबा को देख के, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। कितनी परीक्षाएं आई तो भी एक बाबा के ऊपर, कितनी दादियों को कष्ट दिए गए, तालों में बंद रखा गया। फिर उसके बाद हफ्ते बाद जब ताले से निकालते, बोल शादी कराई कि नहीं, बस करा ली जिससे करानी थी। कितना नशे थे, कहते थे। तो ये है निश्चय। तो हमें अपने निश्चय में चेक करना चाहिए, क्या ब्रह्मा बाप समान निश्चय है। एक सुंदर सा उदाहरण बताऊं, ब्रह्मा बाबा अक्सर करके सर्दियों में 2-3 मास बॉम्बे में आ जाते। एक बार बाबा दिल्ली आए, मेजर की कोठी में, वो मेजर जनरल, बहुत बड़ी कोठी थी। वो ज्ञान में चल पड़ा तो उसने बाबा को इनवाइट किया। तो बाबा वहां आए, उसके परंतु उसके युगल जो है वो साथ नहीं थी, वो बिल्कुल एंटी थी, साथ नहीं रहती साउथ इंडिया में। और वो उसके बिल्कुल ज्ञान के एंटी थी, और सारा परिवार बिल्कुल एंटी, लेकिन वो पूरा मस्ती ज्ञान योग में। तो बाबा को कोठी में बुलाया, उस कोठी में सब मिलने आए, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूरा। तो बाबा ने वहां जो है ना मेजर, जिसको इतना लगन थी, वो जो है बाबा की गोद लिया ना, एक बार गोद में शरीर छोड़ दिया। ऐसे तो इससे बड़ा क्या भाग्य हो, आप सोचो, भगवान की गोद में शरीर छूट जाए। आप सब और हम सब भी यही चाहेंगे, लेकिन उसके घर वाले विरोधी थे। घर में मैसेज दिया गया, अब सारी दादियां दीदियां कहें बाबा को, बाबा आप चले जाओ चले जाओ, वो आएंगे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, उसकी युगल तो बहुत एंटी, सारे वो एंटी धमाल मचाएंगे, इसलिए बाबा आप चले। बाबा ने कहा बच्चे जब तक नहीं आएंगे बाबा नहीं जाएंगे। देखो इसे कहते हैं ड्रामा पे पक्का अटल निश्चय। बिल्कुल उनको आने में 2 दिन मान लो लगा है, लेकिन बाबा बिल्कुल अचल अडोल स्थिति में स्थित रहा, कोई छोटी बात थोड़ी। तो ऐसे नहीं जरा भी कोई ख्यालात चल रहे हैं, फिर रोकना पड़ रहा है, क्या करेंगे, क्या आएंगे तो क्या कहेंगे, नथिंग। उसी मस्ती में, उसी बात याद में, उस तरह बच्चों से मिल रहे हैं। तो आए रोते पीटते, तो फिर केवल बोला भगवान था तो कम से कम बचा तो लेता। फिर बाबा ने, बाबा के सामने आए, बाबा ने कहा ये ड्रामा की पार्टी थी, इसको कोई टाल नहीं सकता था। जो कुछ ड्रामा में निश्चित है, हाँ तो आप देखिए। और बिल्कुल फिर शांत हो गए। इसे कहते हैं निश्चय। कितनी बड़ी परीक्षा आ जाए, निश्चय। अभी फिल्म बनी है ना, कल यहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ, बाप दादा मिलन के बाद दी लाइट। उसमें शुरू से सारी हिस्ट्री दिखाई, 37 to 68 क्या क्या हुए, कितनी आपदाएं, लाखा भवन को आग लगी, क्या क्या, कितना हैदराबाद सिंध में, कराची में, कितने विघ्न पड़े शुरू में,
रिलीजियस संस्थाएं भी सारी अगेंस्ट हो गई, सोशल संस्थाएं भी अगेंस्ट हो गई, जनरल पब्लिक तो अगेंस्ट थी। तो वासवानी के नेतृत्व में एंटी ओम मंडली के उस प्रोसेशन में 5,000 व्यक्तियों ने भाग लिया और उसमें घेराव डाल, पर बाबा हिला जरा भी नहीं हिला। कितने ब्लेम लगते रहे, बाबा हिला, बाबा कहते विलायत तक पेपरों में छप गया। एक दादा, उसको 16,000 108 रानियां चाहिए, 300 तो मिल गई। बाबा तो एंजॉय करता था। उसको तो बातें लाने के बजाय एंजॉय करता था, अन्यथा किसी की नेगेटिविटी का ऐसा प्रचार हो जाए चैनलों पे, उसमें उसमें उसकी तो हवाइयां उड़ जाए। लेकिन बाबा को जरा भी कोई चीज हिला नहीं सकी। बाबा आए थे वहां पर अमृतसर के पास, एक हरगोविंदपुर गांव है, वहां से बहुत कन्याएं निकली। चंद्रमणि दादी वहां शुरू में 3 साल रही थी, अचल बहन जी वहां से निकली, कमलेश बहन बठिंडा वहां से निकली, कृष्णा बहन अम्बाला वहां से निकली। बहुत बड़ी बड़ी बहनें जगह जगह जो सेवा कर रही। तो बाबा भी उस गांव में गया, उस सिखों का गांव। तो बाबा गया वहां, सब बच्चों को खूब क्लास कराया, प्यार दुलार दिया। फिर बाबा ने अचानक क्लास में वहां कह दिया, वहां कुमारियां बहुत थी, बाबा यहां से कुमारियों का गाड़ा भर के ले जाएगा। अब उसमें कोई कोई नए भी बैठे थे, और नए बैठे थे, बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। इनका गुरु तो आया, वो कहता है गाड़ा भर के ले जाऊंगा। आप सोचिए कितना हु हल्ला, क्या क्या हो गया। बाबा को बताया, बाबा आपने बोला ना, सारे गांव में हल्ला मच गया कि इनका गुरु आया है और कहते हैं कुड़िया नामे हैं, गड्ढा भर के ले जावांगा। वहां कुड़िया कहते हैं लड़कियों को। तो बाबा बहुत मुस्कुराए, हाँ बच्ची भर के ले जाऊंगा। बाबा की मस्ती को कोई नीचे जरा भी ला सका, वो कितना भी हुआ करते रहे। बाकी ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल गाड़ा भर के लेके आया। ये कहने की बात थी, भाव था काफी, कुमारियों को बाबा यहाँ से ले जाएगा, और ले भी आया बाबा। गाड़ियों में जो भी कुमारियां थी कुछ, हाँ वो बाबा को क्या परवाह। कहने का भाव, निश्चय किसे कहते, कितने पेपर हुए पर जरा भी उसकी बुद्धि को कोई ला सका। ये थी निश्चय बुद्धि, विजयंती की निशानी। तो हमने देखा दादी चंद्रमणि के भी साथ रहना हुआ। चंद्रमणि दादी एक बार हम बटाला में थे, तो दिनों में बहुत टेररिज्म चल रहा था, कभी कहाँ फायरिंग हो रही है, कभी कहाँ मार रहे हैं लोग, सिविलियन को मार देते थे। तो बहुत ऐसा, तो मेरे को दादी ने बटाला आना था, मुझे पहले भेजा, वहां प्रोग्राम की सेटिंग करो बढ़िया। तो मैंने कहा ग्राउंड में बढ़िया प्रोग्राम, 1,000 के लगभग इकट्ठे होंगे। वहां के इंचार्ज बहन माने ना, ना ना टेररिज्म है भाई। दादी को फोन किया, दादी ने भी कहा छत के ऊपर सेंटर पे कर लो, तो नीचे ग्राउंड की बजाय। और उसमें चीफ गेस्ट था सीताराम SSP। देखो श्रीमत में कितना कल्याण होता है, जिस दिन चीफ गेस्ट आया ऊपर प्रोग्राम हुआ, नहीं तो मुझे तो बहुत उमंग था नीचे काफी इकट्ठे करूं। तो नेक्स्ट डे सब पेपरों में आया, सीताराम SSP को टेररिस्ट ने मार दिया, उस पर गोलियां चला। हमने सोचा भी ये शुक्र हुआ बच गए, ब्रह्मा कुमारी इस पर कलंक नहीं लगा। अगर यहाँ सभा में हो जाता तो
वो टेररिस्ट तो पीछे लगे ही हुए थे, कितनी मुश्किल हो जाती। तो मतलब ये है। अच्छा फिर देखिए, अगले दिन जाना था तरन तारण। तरन तारण में भी रोज खूब गोलियां चलती थी, अनेक लोग आपस में, इतना भीड़, इतना कुछ चलता था। तो तरन तारण प्रोग्राम था किसी हाल में, तो एसपी ने जाते हुए कहा, दादी जी वहां हालात बहुत खराब है, कहो तो मैं आप सिक्योरिटी दे दूं। तो दादी बड़े नशे से कहा, अरे हमारी तो एक ही सुप्रीम सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी नहीं ली, और वहां प्रोग्राम हुआ बड़ा शानदार, और उसके बाद चले गए वहां से। तो मतलब कहने का भाव ये है, निश्चय किसे कहते हैं, देखने की चीज है। निश्चय सीखना है तो दादियों से, बाबा के एक एक जीवन से पता लगता है निश्चय किसे कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, स्वयं में निश्चय, बच्चे स्वयं के एक-एक सामान को आप अच्छी तरह से याद करेंगे तो उससे फिर स्वयं में निश्चय पूरा हो जाएगा। एक-एक सामान, समानधारी बनेंगे ना, उसको रियलाइज करें कितनी महान आत्मा हूं, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सबसे ज्यादा नशा चढ़ता है आपको, जो बाबा ने विशेषताएं दी है ना उनको आप याद, और उन्हीं को सम्मान के रूप में आप, अगर आप उस नशे में स्थित हो जाएंगे, उस समय में निश्चय भी पक्का। तो ऐसा ईमानदारी, विश्व कल्याणकारी, एक बार मैंने बैठ के 1 2 3 4 बाबा ने मेरे को क्या विशेषताएं दी, गिफ्ट, गिफ्ट जिसको कहते हैं, जिसमें मेहनत नहीं लगी और वो मेरे जीवन का अंग बन गए, ऐसे लगभग 20 बातें जो मेन श्रीमद् भागवत समझो, क्रोध मुक्त जीवन। शायद ही मुझे याद हो 25 30 साल में पीछे, कभी भी मैं आग बुझला हुआ हूँ तो बाबा की एक गिफ्ट है, एक मिसला बताया गिफ्ट है, जैसे बाबा ने दी हुई है गिफ्ट। कभी फील ना करना, कभी कुछ भी हो, पर नीचे अवस्था अपनी अच्छी रखना, इसी को कहते हैं ना गिफ्ट, भगवान के गिफ्ट मिलना। तो मतलब ऐसे ऐसे मैंने काउंट की 20 ऐसी विशेषताएं बाबा ने दी है। तो इतना नशा चढ़ता है कई बार योग में भी, वैसे भी केवल एक भी बात को याद करते हैं कि बाबा कितना ऊंचा बना, कितनी बड़ी आपने विशेषता भर दी हमारे में, थी थोड़ी आप भर दी। हाँ, तो और बाबा का वो फिर सामान में कितना टिक जाते हैं। हाँ समझो, संपूर्ण पवित्रता का वरदान मिल गया, सभी ब्राह्मणों को मिला ही हुआ, लेकिन हर एक नंबरवार भी है। अब इस निश्चय, अगर आपके अंदर ये विशेषता पूरी है, नेचुरल आपको बाबा ने ऐसा वरदान किसे कहते हैं, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, कि आपको कुछ ऐसी ही नेचर दी है, आप कभी दृष्टि किसी भी देहधारी में जाती ना, दृष्टि कहीं विचलित होती, आप तो बिल्कुल जैसे पवित्र आत्माएं उतरित हुए ऊपर से। जब से ज्ञान मिला, इतनी सुंदर रेखा चल रही है पवित्र आत्मा की, जहां कहीं भी कोई भी, जिसे बाबा कहते हैं पवित्रता खंडित नहीं, संकल्प स्वपन में भी नहीं। तो ये अब कितना नशा चढ़ाएगा, ये वरदान मिला हुआ है ना, ये कितना नशा चढ़ाएगा कि वाह मेरा वरदान, इतनी बाबा पवित्र आत्मा बना दिया। तो अपने आप को रियलाइज करेंगे, जैसे मैं प्यूरिटी का अवतार, जैसे मैं पवित्रता धारण किए हुए सारे विश्व में उस पवित्र वाइब्रेशन को फैला रहे। तो मतलब कि
उसमें ऐसा हम बाबा के साथ जुड़ के अपने उन सामानों को याद करें। हम चार्ट रखते हैं, ये भी एक विशेषता बाबा ने दी है। दी बाबा ने, उसका अपना अभिमान नहीं, जो भी कुछ दिया है बाबा ने दिया है। कि पिछले 25-30 साल में एक दिन भी चार्ट लिखना मिस नहीं किया। तो चार्ट में महीना वाइज पहले डेली, फिर महीने का रिजल्ट, फिर साल के बाद भी रिजल्ट निकालते हैं। तो कितना नशा चढ़ता है, पूरे वर्ष एक दिन भी संकल्प में अपवित्रता नहीं आए। आपने बाबा काम जीत जगत जीत बना कौन है हम ब्रह्मचारी हनुमान। हनुमान ने छाती फाड़ के दिखाया अंदर शरीर, हमारे अंदर भी एक शिव बाबा के सिवाय किसी की याद बस नहीं। कितना नशा चढ़ता है साल के बाद जब हम चार्ट देखते हो, आप पूरे बाबा अपने बेदाग डायमंड बना दिया। दुनिया कहाँ फंसी पड़ी है विकारों के गर्त में, और बाबा ने तो कह ही दिया काम जीत जगत जीत, सारे जग को जीत लिया। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य व्रत तो पालन कर रहे हैं, लेकिन संकल्प से भी हर तरीके से, वचन से, सदृष्टि वृत्ति कृति संपर्क संबंध सब प्रकार की पवित्रता में 100%। तो इस तरह हमें स्वयं में निश्चय होना बिल्कुल पक्का। तो मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा। अच्छा चलो, मैं स्वयं में निश्चय का एक और उदाहरण। एक बार मैं जम्मू गया, जम्मू सेंटर की बहनों ने कहा कि भाई साहब ऊपर वाला कमरा बड़ा रॉयल है, आपको उसमें हम ठहराना चाहते हैं। तो कमरा बड़ा रहा है पर उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है। मैं क्या, कोई कोई कमजोर ब्राह्मण ठहरते हैं ना, बोला हाँ, तो उनको रात को दो सोल नजर आती, कभी कोई बढ़िया एक और बताया इस टाइप से, ऐसे मतलब वो थोड़ा जैसे जिसे कहते हैं भूतिया कमरा है। योगी पावरफुल आत्माएं रुकती हैं, उनको कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, बाबा ने भी कहा है। इसलिए हम दादी चंद्रमणि को इसी में ठहराते हैं, और आप भी बड़े योगी बच्चे हैं बाबा के, इसलिए हमने सोचा हो कमरे का यूज भी रहे तो आपको, और मुझे ठहरा दिया गया जी। वहां मैं कौन, लो भाई इनको विश्वास भी पूरा है मेरे में के इतने योगी है। और भूतें कमरे में मेरे को बताओ दे रहे हैं, ये भी बता दिया रात को भूत आ सोचो। है ना, आप खुद को चेक करो, अगर आपको किसी जगह कहा जाए कि इस कमरे में भूत है और तेरे को सारी रात इसमें रहना, और भूत मिलेंगे तेरे को, आप सोचो वहां मेरा निश्चय कितना होगा। डगमग तो नहीं होगा कि भाई अब मेरा क्या होगा, जिसने ये सोचा ना फेल हो जाएगा। हाँ बाबा कहते हैं जो डरेगा सो मरेगा। अब मैं उन्हें ये भी ना कहूँ, मैं कहा बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, मैं दूसरी ओर मैं सोचूं कि भाई ये बताओ मेरे को भूतिया कमरे में रख रहे। फिर मैं स्थित हो गया अपने सामान में, मैं कहा लाओ भाई इनको मेरे पे पूर्ण निश्चय है, मेरा क्या बिगाड़ेंगे भूत, कोई बात नहीं आज रात को आने दो, अगर आ गए, अगर आ गए मैंने पूरी तैयारी कर ली कि अगर वो मेरे को नजर आ गए आ तो वो मुझे नहीं चिपटेंगे, मैं उनको चिपटूं। मैंने सोचा आज मैं उनको कल्याण करूं, और ये एक मेरा नया बैड डेटा बन जाएगा कि भूतों का भी कल्याण किया। तो हम पूरे नशे निश्चय में स्थित होके बाबा की याद में सो गए।
खैर वो आए नहीं, उन्होंने कहा था पावर ऑफ पुल, आप गाँव से दूर भाग जाते हैं। हम गए थे पिछले साल वहां नेपाल में, नेपालगंज की बहन दुर्गा बहन मिली थी, आप सबने सुना होगा हमारे यूट्यूब उसमें चैनल पे, GRC ज्ञान मान सरोवर चैनल है, तो उस पे अगर आप डालेंगे नेपाल दुर्गा बहन अनुभव तो निकलेगा, उसे सुन के देखना, मतलब वो कैसे उसने कितने भूतों का कल्याण किया, डर ही नहीं, यह स्वयं में निश्चय। अक्सर तो डर जाते हैं ना, है भी वो बड़ी पावरफुल बहन। तो बाबा कहते डरना नहीं, अरे किसकी संतान हो, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, किसी भी परिस्थिति में घबराते क्यों, अरे पेपर तो आते चले जाते हैं, बातें आई गई, पेपर टाइगर से घबरा गए हो, आए टाइगर आ गया, नहीं कुछ भी नहीं है परिस्थिति, सब स्थिति के आसन पर स्थित रहो। तो ये था स्वयं में निश्चय। अब बाबा में निश्चय, बाबा में निश्चय का एक उदाहरण सुनाता हूं मैं, दादा विश्वरतन, मैं उन्हें 5 बार मिला, वैसे कई बार मिला पर 5 बार पुरुषार्थ की लेन देन की, और जब भी मैंने पुरुषार्थ के बारे पूछा उन्होंने एक ही बात कही कि दिन रात उनकी जो मास्टरी थी ना एक इसी पुरुषार्थ पे, कि स्वयं भगवान मेरे हर हर पल साथ, बाबा मेरे साथ, वी आर कंबाइंड बाबा एंड हम, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, तो बाबा और हम कंबाइंड, ये एक उनका निश्चय था पक्का। तो इसलिए उस निश्चय पे सदा निश्चिंत रहना चाहिए कि जब हमें निश्चय पक्का हो तभी बेड़ा पार होगा। तो बाबा में निश्चय, वो कहते थे मेरे को दादा विश्व रतन कि जब मान लो मेरे साथ प्रैक्टिकल साकार बाबा खड़े हैं और भगवान आए हुए हैं, क्या मुझे कोई व्यर्थ संकल्प आएगा, क्या मैं कोई गलत करूंगा बाबा की उपस्थिति में, एक दादी की उपस्थिति में, एक सिंपल की उपस्थिति में भी हम गलत काम से डरते हैं, ये तो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है, क्या मैं भूल जाऊंगा खाना खाते जबकि वो मेरे साथ बैठे। बड़ा जबरदस्त उनका इसमें निश्चय था, बस एक ही बात पे उन्होंने दिन रात, मैं चलता हूं तो मैं ये पक्का, बाबा मेरे साथ हर काम में, बाबा साथ है, बाबा साथ है, ये उनका पक्का निश्चय था। तो हमें भी बाबा पे हजार भुजाधारी स्वयं भगवान स्वयंभू सर्वशक्तिवान, कोई छोटी बात है क्या, वो मेरे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है, चिंता की फिर क्या बात है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अभिमन्यु को, जो कथा में दिखाया अभिमन्यु को मारने वाले का, मैं अगर कल तक उसको नहीं खत्म कर पाया तो मैं चिता अग्नि में जल पाऊ, तो 5 बजे सूर्यास्त होना था, सूर्यास्त से पहले उन्होंने कहा था 5:30 लगभग होना था, 4 बज गए, तो अर्जुन 4 बजे सोया हुआ, जाके कृष्ण को भगवान दिखाते हैं, जाके कहते भगवान ने जगाया, अर्जुन 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 खड़ा, तुझे चिंता नहीं है सूर्यास्त होने में 1 घंटा रहेगा सारा। उसने कितना मुस्कुरा के जवाब दिया अर्जुन ने, जिसकी चिंता स्वयं त्रिलोकी, उसको अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है प्रभु। ये निश्चय, हाँ हमें अपनी चिंता, सेंटर की चिंता, विघ्नों की चिंता, परिस्थितियों की चिंता,
कोई भी चिंता ना सताए, क्योंकि हमारे हमारी जिम्मेवारी किसने ले ली है? स्वयं भगवान ने हमारी जिम्मेवारी ली है, वो तो हमें हाथ में हथेली में लिए घूम रहा है। तो ये हमारा निश्चय फिर बहुत परिपक्व कैसे भी बात हो, लेकिन बाबा साहब है, बाबा साहब है, ये हमें पूरा होना चाहिए। फिर है ड्रामा में निश्चय। अब ड्रामा में बाबा कहते कि अचल अडोल अटल बना देता है ड्रामा की भावी। एक तो ड्रामा कल्याणकारी है, ये है ड्रामा में निश्चय। हर बात में कल्याण, हर बात में कल्याण, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढना। और निकलता भी है जिनको निश्चय, आप खुद अपनी जिंदगी के 10-12 नेगेटिव सिचुएशन सोचना, अंत में जाके कई परिस्थितियों में बहुत ही अच्छी रिजल्ट। और अब संगम तो बाबा हमेशा कहते हैं कल्याणकारी संगम, कल्याणकारी बात हो नहीं सकता, ताकि इस कल्याणकारी ड्रामा में बच्चों का कहीं भी एक कल्याण हो। रोज एक पॉजिटिव थॉट भेजते हैं वीवीआईपी, जैसे कि चेयरमैन है इंडियन ऑयल और बेन, और कुछ देशों के एम्बेसडर आदि कहीं ऐसे जुड़े। तो कल शायद जो भेजा था एक बंडल ऑफ मिस्टेक्स, एक बंडल ऑफ मिस्टेक्स, फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस, मतलब कि एंड विच ब्रिंग्स सक्सेस, ऐसा कुछ था। मतलब एक जनरल मैनेजर से पूछा गया कि तुमने इस वर्ष इतनी बड़ी सक्सेस कैसे प्राप्त की? उसने कहा बाय एक्सपीरियंस, कि तुमने इतना बड़ा एक्सपीरियंस कैसे प्राप्त किया? उसने कहा बाय डूइंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन इन प्रीवियस ईयर। तो उससे क्या हो गया? इतना एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, जिससे बाबा कहते अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। तो उससे फिर कहते उस कारण इतने मुझे सक्सेस मिली। तो ये है मतलब, देखो ड्रामा में निश्चय, ड्रामा की हर परिस्थिति कल्याण, हर परिस्थिति कल्याण, कितना भी आपके साथ बुरा हो जाए ना, दिमाग ना हिले कि इसमें भी ड्रामा कल्याण। एक कल्याण तो ये समाया ही हुआ है, कौन सा? कि समझो कि कुछ ना कुछ देखो कार्मिक अकाउंट होता है ना, क्लियर हो रहा है, किसी ने आपकी खूब इंसल्ट की, कितना भी गालियों का बौछार किया, कुछ किया, ये किया, वो किया, तो आपको पक्का निश्चय हो कि मेरे पाप कट रहे हैं। बहुत फायदा हो रहा है ड्रामा की सीन में, एंजॉय करो उसको भी। ये अच्छा हो रहा है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, मेरा अच्छे से अपमान भी होना चाहिए। खाली हर जगह मालाएं पड़ रही हैं, पता नहीं हम कहाँ कहाँ बाबा हमें ले जाता है, अक्सर टूर होता है सेवाओं का, भारत के अतिरिक्त भी 50 देशों में बाबा ले गए। नेचुरल है, जहाँ जाएंगे पुष्प देंगे वो देंगे, कितने खुश होंगे। लेकिन ये पक्का समझ लो, पीएम टू पीएम, चपरासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, उसको सम्मान भी मिलेगा खूब, लेकिन अपमान भी कई बार उनको मिलेगा। कितने बड़े महात्मियों को, दादियों को हमने खुद देखा। जम्मू में एक बार दादी चंद्रमणि के साथ भट्टी कराने गए थे, वहां कोई भाई था तो शरीर छोड़ गया, पुराना स्कार बाबा के टाइम का, परंतु बाबा मुंबा के टाइम भी उसमें बहुत देहाभिमान था। तो दादी को आए एक दिन, हो गया ठहरी थी,
वो अपने रूम से गया नहीं ओम शांति करने, आखिर दादी आए, दादियों ने तो सीखा ही है जो ताके उसको कहा फला भाई, मैं नाम तो नहीं लेता, फला भाई ओम शांति साइलेंस ऐसे करके बैठ दादी चुपचाप बैठी, इंसल्ट तो पूरी हो गई, पहले तो ओम शांति नहीं करने आया, अब दादी खुद आई है उसके कमरे में ओम शांति करने, तो भी साइलेंस करके और ओम शांति का जवाब भी नहीं दिया और ही उससे बात नहीं की साइलेंस। आखिर 5 मिनट बैठ के पास उठ के आ गई ऊपर, तो मैं साथ था, तो मैंने कहा दादी इतनी बड़ी दादी आप ज्वाइंट चीफ हो संस्था की, आपको सब सच बताना फील नहीं हुआ उसने इतनी बेइज्जती कर दी, आपने ओम शांति की और ऐसे करके बोला तक नहीं था दादी इतनी हंसी दादी चंद्रमणि को आप में से कोई मिला हो, इतना शेरे पंजाब की तरह हंसती थी, उनको बाबा शेरे पंजाब कहता, तो दादी ने कहा अरे भाई ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, बाबा ने तो हमें बहुत पहले ट्रेंड कर दिया है इन चीजों में, कहा ये मम्मा बाबा के सामने भी ऐसे हो जाता था तो हमारी क्या बात है अब आप सोचो, मतलब कि इतना ड्रामा में भी ऐसा निश्चय हो कि इसमें कल्याण, इसमें भी ठीक ही हो रहा है, अच्छा है, मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, तो बुद्धि हिलती तब है जब कभी कोई अपमान जनक स्थिति का सामना करना, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं वो तो याद रखेंगे तो आपको कभी भी बुद्धि हिलेगी नहीं, कितना भी अपमान हो कितना भी नहीं हिले। एक छोटी सी कहानी है सुनाता हूँ, एक राजा था उसके पास सिस्टम था उसका डेली 9 से 10 के बीच में दान करेगा, जो भी आए खा लिया। तो एक दिन एक कोई सिद्ध पुरुष दूर से आया, उसे उसके राज का पता लगा, सोचा चलो मैं भी दान ले आता हूँ, तो 9 से 10 उसका फिक्स टाइम था, अगर उससे 1 मिनट भी डिले कोई आएगा ना फिर अगले दिन, तो वो गया बाय द वे 5-7 मिनट लेट हो गया, दरबानों को कहा कि हम राजा को मिलना चाहते, उन्होंने कहा अब नहीं मिले, क्या किस पर क्या इसके लिए, क्या इसके लिए नहीं मिले, फिर उसने कहा नहीं, अरे भाई तुम हमारा संदेश तो पहुंचा दो कि कोई मिलने आए महात्मन, तो उन्होंने संदेश पहुंचाया और उन्होंने उसने भी ना कर दी कि मैं अभी दान लेने के लिए आया, ये भी बता दान नहीं दे सकता मैं अभी, कल मेरा नियम, फिर दोबारा आग्रह भेजा के नहीं हम कल नहीं आ सकते दूर से आए हैं आज ही जो दे, और नहीं फिर लास्ट ये कहा अच्छा चलो मिला तो दो, फिर पूछा तो भाई बहुत जिद कर रहा तो बैठा ही, कहते मिला तो दो, कहते अच्छा भेज दो, अभी थोड़ा गुस्सा चढ़ गया भाई इतना कहा है ये ना दरबानों की मानता ना मेरी मानता, तो वो अस्तबल में अपने घोड़ों का निरीक्षण कर रहा क्या भेज दो फिर यहीं भेज दो इसे, वो पहुंच गया वहां, तो उसने कहा राजन मैं कल नहीं आ सकता, उसने कहा भी मेरा तो नियम ये है राजा कि भाई 10 के बाद नहीं करते, कल मैं नहीं आ सकता, इसलिए तुमने जो देना हो मुझे आज ही दे, और नहीं भाई मेरा नियम, और नहीं राजन मैं नहीं आज ही जो देना कि अच्छा, उसको चढ़ गया क्रोध राजा को, उसने कहा अच्छा लेना है चल झोली फैला, झोली फैलाई उसमें उसने घोड़ों की लीद भर दी कहता था चला गया, चला गया तो कुछ वर्ष के बाद वो कुछ उसके सिपाही
या कोई मंत्री आदि ऐसे निकले जंगल में सैर करते दूर तक, तो वहां देखा कोई सिद्ध पुरुष की कुटिया, काफी दूर निकल गए तो सब जो उसको सुना उन्होंने के नाम के विशिष्ट पुरुष है, बहुत ही अच्छा है, ऐसी दृष्टि देता है, उड़ा देता है, उसके वहां का ध्यान योग गान को सुन। तो क्या हुआ, उसके कुटिया के बाहर ही देखा कि लीद का ढेर काफी बड़ा, तो उनसे मिले। मिलने के बाद महाराज, ये लीद का इतना बड़ा ढेर क्यों पड़ा है? तो उन्होंने बताया, ये जो देश का राजा है उसने मुझे दान दिया था, दान का सिस्टम होता है, दोगे तो बढ़ जाए, तो ये बढ़ गया उसको, अब इसको अगले जन्म में सुअर बन के खाना। तो उन्होंने जाके राजा को सुनाया तो राजा कांप गया, उसने कहा ये क्या हुआ, बहुत कांप गया। तो वो आया सिद्ध पुरुष से मिलने, तो आया तो जाके मिला और फिर बहुत क्षमा याचना की कि मेरे से गलती हो गई। उस कहते नहीं, ये जो तूने दिया था ना वही तेरा बड़ा है, और ये तुझे अगले। नहीं, महाराज कोई उपाय बताओ, माफ करो मुझे, उपाय हर बार। कहता मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। फिर कहा अच्छा उपाय पूछना ही है, महर्षि वशिष्ठ के पास जाए। तो महर्षि वशिष्ठ के पास उन्होंने कहा भाई एक उपाय है, क्या? तेरी कीर्ति बहुत है पूरे राजा भाई, राजा पता नहीं है ये है वो है, अगर तेरी अच्छी तरह अपमान हो, तेरी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो, तो फिर ये कुछ लीद का ढेर जो है ना कम आ जाएगा। राजा आया, 15 दिन उसने क्या किया, राज में तो उसका बड़ा सम्मान था, तो राज के गलियों गलियों में अपने राज एक वेश्या को साथ लिया, एक शराब की बोतल लिया, तो ये दिखाने के लिए ये पी रहे, और वे पूरा उल्ट, तो सारी गलियों में जाए लोग इकट्ठे हो जाए, ढोंगी राजा, पखंडी राजा, ये तो कहते बड़ा दानी है ये, देख क्या राजा, खूब गालियां खूब अपमान, और उसको पता लगता रहा लीद का ढेर जो कुर्डी बना हुआ था वो कम होता जा रहा है, कम रोज पता लगता। तो 15-20 दिन ऐसे घूमता रहा, लीद का ढेर कम होता 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 होता, फिर थोड़ा रह गया, फिर वो कम ना, फिर करे फिर कम, फिर गया मुनि विशिष्ट के पास के जी मैंने ऐसे ही किया और मेरी बहुत बेइज्जती हुई, बहुत अपमान हुआ, सबने क्या क्या गालियां दिया, और मैंने सचमुच थैंक्स आपका उससे बहुत खत्म हो गया सारा लगभग, अब जो ये थोड़ा बचा है ये नहीं खत्म हो रहा, मैं घूम भी रहा हूँ वो भी, तो ये नहीं खत्म हो क्यों, ये तो तेरा मूल है, तो फिर ये तो तुझे खाना ही पड़ेगा। अच्छा तूने अगले जन्म सुअर बन के नहीं खाना, तो तुम ऐसा करो उसको ले आ, उसको सुखा लो, और सुखा के फिर उसमें कुछ मिश्री पिश्री डाल के अच्छी तरह से पीस के ऐसा डालो, थोड़ा 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 खा, ऐसा ही किया उसने। इसलिए सहन शक्ति बढ़ानी हो ना, इस उदाहरण को याद कर ले, जब कोई गालियां दे अपमान दे आपको, मेरा लीड का ढेर जो है ना वो कम हो रहा है। हम सबका भी है ना, पता नहीं क्या क्या पाप पूर्व जन्म में भी किए, इस जन्म वो कम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, जितना इंसल्ट होगी जितना अपमान होगी जितना आपके साथ कुछ उल्टा सुलटा होगा, समझो आपका काफी कुछ चुप तो होता जा रहा है, जिसे बाबा कहते कर्मों का हिसाब चुप तो हो रहा है बच्चे, और ये खुश होना चाहिए कि ये मेरे को भुगतना पड़ता, अब यहीं पर बाबा चुप तो करा रहे। तो ये था मतलब ड्रामा में निश्चय की बात चल रही थी, जिसे बाबा ने मुरली में भी कहा समस्या समाधान, समस्या आए ड्रामा में निश्चय वाला समाधान स्वरूपों के 1 सेकंड को समस्या,
सॉल्व कर देते हैं, तो समाधान में परिवर्तन कर देते। फिर बाबा ने चौथा निश्चय फिर है, वो है पहला स्वयं बाप में, स्वयं में, ड्रामा में, फिर परिवार में। इससे बाबा ने कितना जोर दिया कि चलना तो 21 जन्म परिवार के साथ है ना, परिवार में जो पास हो सब में पास। सबसे बड़ा परिवार ब्रह्मा बाप का था बाबा ने, 300 का। आज मधुबन में भी भले 1,500 हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक दादी जी के साथ सारे के सारे जुड़े हुए, ना ना, सबके डिपार्टमेंट हेड हैं, वही उन्हें संभालते हैं। दादियों के निकट तो पहुंचने को उनको मिलता ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने देखना, जिससे आपका वास्ता पड़ता है वो 5-6-7 मिलेंगे। बच्चे हैं तो ऑफिसर में ऑफिसर है, या कोई और 8-10 मिल जाएंगे बस, इससे ज्यादा। पर ब्रह्मा बाबा का परिवार, बाबा ने कहा सबसे बड़ा 300 थे, और अज्ञानी थे जब आए थे तब तो अज्ञानी थे। और बाबा ने एक-एक व्यक्ति को, कोई भी प्रॉब्लम, बाबा मेरे घर से ये आया, वो बाबा के पास, वो बाबा उधर देखो घर वाले ये विघटन डाल रहे हैं, बाबा किसी की तबीयत खराब है, बाबा मुझे ये, मतलब वो सारे 300 के 300 सब बाबा से जुड़े 14 साल। उसके बाद भी कहीं भी गए पत्रों से जुड़े हुए थे, पर बाबा देखो इतने सब में रहते हुए भी, इतने बड़े संगठन में रहते हुए भी बाबा व्यक्त परिश्रता करके रहा, कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे परिवार में पास तो सब में। एक भाई था बड़ा टेढ़ा था, दीदी मनमोहिनी को बाबा को बताया, बाबू के इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, मधुबन में इतना कुछ है, ये करता है, इतना क्रिएट, क्या करें बाबा। बाबा ने पता क्या कहा कि बच्ची समझो उसका नाम आप लगा लो ताराचंद, ABC डमी नेम। बच्ची ताराचंद को चला लिया तो सारा यज्ञ चला लिया। मतलब परिवार में पास तो सब में पास। बाबा ने कहा नशा भी है, मुरली में बोला नशा भी है, परिवार छोटा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। 140 देशों में अपने फैमिली के मेंबर आते हैं, हमारे सेंटरों में तो मिनिस्टर आके कहते हैं जी मैं वहां लंदन जा रहा हूँ, अमरीका, आपके तो सब जगह रिश्तेदारी है, पत्र लिख दो हम आपका सेंटर भी देखाएंगे। हाँ छोटी बात है क्या। तो बाबा ने इसको कहा है परिवार में, देखिए भगवान ने जब इनको अपना लिया तो मुझे क्या दिक्कत है, ये बेहद का परिवार सो मैं अपना परिवार। तो इस निश्चय में दूसरा बाबा ने मुरली में ड्रिल, बार बार ड्रिल, बाप आसमान बनने की ड्रिल, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फिर बाबा ने कहा नीचे आए साकारी तो आकारी, अभी अभी निराकारी फिर आकारी फरिश्ता फिर निराकारी, निराकारी बाप समान और आकारी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन के कार्य। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को देखा कभी भी बोझ में आया और सदा बोझ से न्यारा रहा, सदा हल्का डबल लाइट रहा। तो ऐसे ही तुम बच्चे भी फॉलो फादर करो। तो ये था ड्रिल। अच्छा अब ड्रिल करनी है, बाबा तो कहते घड़ी घड़ी करो, नहीं तो कम से कम जो 5 रुपयों की ड्रिल है वो 8 टाइम तो जरूर बाबा ने कहा हुआ है, और हम ठीक करते ही हैं। इसलिए बड़ा इजी है, एक वाक्य केवल याद कर लो, ड्रिल होती रही। कौन सा? अनादि में दिव्य सितारा, नाम में थे आदि में देवता प्यार, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा लारा। तो कितना अच्छा देखो, हाँ, और अंत में फरिश्ता आया, बस 5 रुपयों की ड्रिल, कितना सहज। लेकिन एक एक चीज को रियलाइज करें तब 5 रुपयों की ड्रिल हमारी ठीक। तो बाबा ने यही कहा
बच्चे ड्रिल भी बार बार करो। और बाबा ने कहा बच्चे परिवार है ना, उसी का यादगार माला बनी हुई है ना, 108 की माला, कहाँ पहला नंबर, कहाँ 108, कहाँ 16 का, जरूर वैरायटी संस्कार है ना, तो वैरायटी संस्कारों को जान निर्माण बन चलो, ये बाबा ने खास कहा, निर्माण बन चलो। अच्छा ओम शांति, मैं समझता हूँ आपका समय हो गया, अब मैं क्लास तो यहीं पर ही विराम देता हूँ। आज का विषय था निश्चय बुद्धि विजय। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। आज विशेष रमेश भाई जी की याद आ रही थी, जैसे मिलन के बाद भाई साहब अति गुह्यता में ले जाते थे, वैसे आज आपने भी हमें, हम सभी को बहुत गुह्यता में ले गए। और भाई साहब का उमंग उत्साह देखकर हम सभी भाई बहनों का भी उमंग उत्साह कई गुना तक बढ़ जाता है। तो भाई साहब आपका इस अव्यक्त मुरली क्लब में, जो आपको भी बहुत अच्छा लगता है, उस क्लब में बहुत बहुत बार आपको फिर से इनवाइट है। आप ऐसे ही आते रहे और हम सबका उमंग उत्साह बढ़ाते रहे। तो वंस अगेन बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। और एक अनाउंसमेंट है कि हमारे ग्रुप के पद्मा बहन, जिन्होंने इस अव्यक्त मुरली क्लब में ज्वाइन होके एक बुक का निर्माण किया है, स्पार्क बुक का, विधि से सिद्धि, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो बुक अभी शांतिवन में अवेलेबल है। तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, है ना। शांतिवन के जो स्टोर्स है स्पार्क के, वहां पर ये बुक मिल जाएगा। तो पद्मा बहन और उनके पूरे टीम का बहुत बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने इतना मेहनत करके विधि से सिद्धि ये बुक बनाया है। बाबा के जो विधियां बताते हैं उसका एक संकलन है, तो आप सभी भी इसका लाभ ले सकते हैं। आप हाँ, सभी का एक अनाउंसमेंट मेरी ओर से है। एक बहन रात को निर्वैभ भाई साहब के साथ भोजन पे थी फिजी से, तो यहाँ मधुबन में माधव यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर जुड़ी हुई होगी, वो कह रही कि आप व्यक्ति क्लब में से आ रहे, तो मुझे माधव यूनिवर्सिटी में विभिन्न सेवाओं के वो प्लान हैं, गए भी थे, लेकिन मैं उनका कांटेक्ट नंबर लेना भूल गया। अगर वो सुन रही हो तो मेरे व्हाट्सएप पे वो अपना कांटेक्ट नंबर अवश्य भेजे। 9 मेरा नंबर है, 9416151842, 9416151842। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आप सभी का भी इस क्लब में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। ओम शांति जी। ओम थैंक यू। शांति। ओम थैंक शांति। ओम शांति। यू, ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शांति। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति। शांति, गुड ओम मॉर्निंग। शांति, थैंक ओम शांति, हैव अ यू ग्रेट डे, भाई। थैंक यू बाबा। थैंक यू सभी बहन भाइयों। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई शांति, जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।